लेकिन आप लोग प्लीज शांति बनाए रखिए, कोई भी यहाँ वीआईपी नहीं आया है, सब एक गेस्ट टीचर है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और हमें सबके समर्थन समर्थन भी सभी का चाहिए। जितनी भीड़ है इस भीड़ को तीन गुना चार गुना कैसे करना है वो सोचो सारे, ये मत सोचो कि यहाँ पर कौन आया है कौन नहीं आया है। जो आएगा वो कोई भी हो, वो एक गेस्ट टीचर रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, सिर्फ दूसरी बोलूंगा क्योंकि आजकल डायरेक्टर साहब हमारे बड़े यही बोलते हैं कि दूसरी बात फटाफट करो। देखिए आप लोगों की लड़ाई है, अब ये हम लोग जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबको आवाज आएगी, एक बार सभी बैठ जाओ जो जहां पर भी है, प्लीज एक बार ही आप लोग प्लीज बैठ जाइए, आप लोग भी सर बैठ जाइए। देखिए आवाज लग रही है, सबके मन में एक डर था कि अगर ये धरना उस डेट को होगा जिस दिन स्कूल होगा, तो उस दिन हम स्कूल नहीं जाएंगे तो प्रिंसिपल मीमोस देना शुरू कर देंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के पेज के ऊपर शाम तक या कल तक हम डाल देंगे, एक कैट ने जजमेंट दे दी है कि किसी भी एचओएस को हटाने की पावर नहीं है। बता देता हूँ ये लाइव भी हम ही है, बहुत बढ़िया सर, जो एक साल पहले कुछ महाअनुभव कुछ आए भी हुए हैं, जो सरकार के पास बैठकर बड़ी रणनीति और राजनीति करते थे। ये बात यानी झूठ कहा भाई, समर्थन होना चाहिए, समर्थन की भलाई के लिए जजमेंट वाली बात कर रहा हूँ, की जो बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, कैसे होता वो तो सुन लो ना, वो तो सुनो, पता लग गया किसी कार की चाबी है। उसके बाद जिसका जो पसंद हो वो हाथ खड़ा करके पूछ लेना, और बीच में अगर अब आप बोले तो फिर हम में से कोई नहीं बोलेगा, और ये मत कहना धरना खराब हो गया, हटाएगा नहीं। बहुत बढ़िया, और ये जजमेंट हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, हम तो धन्यवाद दे रहे हैं, पूरी बात तो सुनते नहीं हो आप लोग, पिछली बात उठा दी, जिन्होंने हमें हटवाया उनका भी धन्यवाद कि हम ये लड़ाई लाकर जीत कर दिखा दिया कि किसी भी अध्यक्ष नहीं आया। थैंक यू दे रहा हूँ, दे सकते हो आप में से कोई, कोई नहीं देगा, धन्यवाद उनका और सरकार का भी कि उन्होंने ये दिखा दिया कि एक गेस्ट टीचर अब वो चीज लेकर आ गया है कि जिससे वो डराते थे, समझे। आपकी भलाई के लिए जीत चुके हैं जजमेंट, डाल देंगे पब्लिकली भी, एक बार उसको प्रोटोकॉल के थ्रू लागू होने दो। दूसरी बात, आप लोग आए हो, आप लोगों के मन में हमेशा से ये रहता था कि ये गेस्ट टीचर ग्रुप में डिवाइड है क्या है, मैं नहीं जाऊंगा उस बात पे, मैं बोल रहा हूं ये धरना किसी एसोसिएशन के माध्यम से भी हो रहा हो, चाहे एजीटीए के माध्यम से चाहे डीजीटीओ के माध्यम से, लेकिन ये हो सभी गेस्ट टीचर्स के लिए हो रहा है। तीसरी बात, पांच मिनट मुझे तालियां मत दो, ये तालियां नेताजी के लिए रखना क्योंकि नेताजी कहीं है यहाँ पे, फिर बोल रहा हूँ नहीं चाहिए मुझे तालियां, अपना काम आपका कैसे होगा वो सोचो सिर्फ, सभी एक काम करो, अगर आज ये भीड़ इतनी आई है ना तो अभी प्रवीण सर बता देंगे आपको कि हमें तीन गुना भीड़ क्यों चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक काम कर दो मेरे कहने से, अगर कर सकते हो तो सभी लोग ट्विटर अकाउंट बना लो, क्योंकि उसकी जितनी ताकत सोशल मीडिया की है उसके अलावा इस टाइम किसी की नहीं है,
और 3 महीने हैं सिर्फ हमारे पास। प्लीज ताली नहीं। अगर इन 3 महीनों में आप लोगों ने कुछ हासिल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो 1 अप्रैल 2022 को फिर क्या होने वाला है वो आप लोग अपने आप देखना, कैसे लोग प्लानिंग ब्रांच के धक्के खाएंगे कि मुझे लगा लो मुझे लगा लो। और सबको पता है प्लानिंग ब्रांच में होता क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है। तो ये बात बंद से निकाल दीजिए। ये धरना एक एक गैस टीचर का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। आप लोग समर्थन करोगे रोड के ऊपर हमें तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो हम तो वैसे भी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हम तो क्या बोलू बदनाम है वैसे ही बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक बात, इस बार जो आमरण अनशन होगा वो अंतिम होगा क्योंकि इसके बाद गैस टीचर की लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। ये आप लोगों को भी पता है पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ है। ये अंतिम प्रयास किया है हमने और इस प्रयास में सिर्फ हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, 90 दिन। वो पंजाब चुनाव में, गोवा चुनाव में, कहीं मर्जी कुछ भी बोले, सिर्फ आपका जो हमें साथ चाहिए वो रोड पे चाहिए और ट्विटर अकाउंट पे चाहिए। सिर्फ एक ही प्रश्न डागेंगे हम कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, दिल्ली के गैस टीचरों को कब पक्का कर रहे हो। और अगर आपकी कलम से नहीं हो रहा, आपके अधिकारी नहीं मान रहे तो ठीक है, हम एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं पॉलिसी का और 101% नहीं 1001% बोल रहा हूँ, उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच भी डिसमिस नहीं करेगी क्योंकि ऐसा पॉलिसी, ऐसा ड्राफ्ट देंगे शिक्षा मंत्री को, वो भी ये कहेगा कि मान गए लेकिन वो मिले तो सही एक बार हमसे। सिर्फ हमें चाहिए, नहीं यहां से भी बोल रहा हूँ, कोई ग्रुप हो जो गैस टीचर के फेवर में वाकई में कुछ करना चाहता है, क्या सरकार का था, सरकार के साथ है, हम विपक्ष के हैं, जो मर्जी बोलो, लेकिन एक बार रिक्वेस्ट है मेरी नहीं 22,000 गैस टीचर की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी गैस टीचर है, गैस टीचर्स हैं, सिर्फ एक बार शिक्षा मंत्री जी को और केजरीवाल जी को हमारे आमने सामने बिठा दीजिए। हम में से 3 लोग जाएंगे और ऐसा ड्राफ्ट और ऐसी पॉलिसी देंगे कि वो भी ये कहेंगे कि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वादा है अगर वो ना माने तो जो आप कहो, ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसको वो नकार ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसके अंदर सारी जजमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह तक की। बाकी अब आपको प्रवीण सर बता देंगे क्या है और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, उनको बोलने देना, उसके बाद आप हाथ उठा के प्रश्न पूछ लेना, मेरी तरह मत करना कि ये मत करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबके मतभेद हो सकते हैं लेकिन 22,000 गेस्ट टीचरों के लिए हमने अभी उसको साइड में रखा हुआ है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी पॉलिसी बन जाए नॉट 58 ईयर्स 60 ईयर्स तक, क्योंकि 2 साल फिर कहाँ जाओगे, 60 साल के बाद तो 60 के बाद तो वैसे भी परमेश्वर का बुलावा आजकल आने लग गया, सबको पता ही है। तो बस यही गिन वो करेंगे कि हरिद्वार चलेंगे, जिसको चलना हो बता देना, मैं तो सियाम ही बहुत चलेंगे।